नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से यमुना एक्सप्रेसवे को कितना फायदा होगा। अगर यहां पर आपने इन्वेस्ट किया तो रिटर्न कितना मिलेगा। जिस जमीन पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, क्या वहाँ के किसान जमीन देने को तैयार है, और दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में छोटा घर खरीदने वालों को कैसे मिली है राहत। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी प्लस। जेवर एयरपोर्ट बनने से अगर किसी इलाके की तस्वीर बदलेगी तो वो है यमुना एक्सप्रेसवे। अब यमुना एक्सप्रेसवे है क्या, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसके दोनों ही तरफ काफी जमीन खाली पड़ी है और यहाँ पर बड़ी कंपनियां निवेश के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट बनने के पहले यहाँ पर निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, तो अगर एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ की तस्वीर कैसी होगी, और आपने अगर निवेश किया तो आने वाले वक्त में रिटर्न कितना मिलेगा, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब एयरपोर्ट बनेगा उससे पहले रियल एस्टेट मार्केट पर कितना असर पड़ेगा। तो आज हम इस मुद्दे को समझेंगे, एक्सपर्ट्स का नजरिया लेंगे कि आखिर जब जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो उससे पहले जमीन के रेट्स पर क्या असर पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्राइसेस कहाँ जाएंगे, बिल्डर्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो सबसे अहम मुद्दा जो होता है वो जमीन का होता है। लेकिन 8 से 9 गांव जो है वो इस एयरपोर्ट को बनाने में शामिल किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या जो लैंड दी जाएगी, जब किसान जो लैंड देंगे अपनी, उस पे एयरपोर्ट बन पाएगा, या उचित जो मुआवजे की बात की गई है वो दिया जाएगा, और क्या किसान अपनी जमीन देंगे एयरपोर्ट के लिए। तो आज इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में रिसर्च करेंगे। दो हजार बाईस ये वो साल होगा जब जेवर से पहली उड़ान भरी जाएगी, और दावा ये किया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट से सालाना 50 लाख यात्री सफर करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से करीब 40 किलोमीटर, और ग्रेटर नोएडा से इसकी दूरी 28 किलोमीटर है, जबकि गुड़गांव से ये 65 किलोमीटर दूर है। जेवर एयरपोर्ट को तैयार करने के लिए करीब 8 से 9 गांवों की पहचान की गई और करीब कुल 5000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। कुल जमीन में से 240 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार की है, जबकि बाकी जमीन पर निजी मालिकों और किसानों का अधिकार है। पहले फेज में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे के लिए 1327 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट की पूरी तस्वीर क्या होगी। जेवर एयरपोर्ट को नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट का विकास पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनाने की योजना है। जेवर एयरपोर्ट को पालम एयरपोर्ट समेत दिल्ली एनसीआर के शहरों से कनेक्ट किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए चलाई जाने वाली रैपिड रेल और हाई स्पीड मेट्रो के 4 रूट तय किए गए हैं। देशी विदेशी पर्यटकों को एयरपोर्ट से आगरा, मथुरा और वृंदावन पहुंचाने में आसानी होगी। किसी भी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एयरपोर्ट को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्राउंड प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप लैंड एक्वायर करें और लैंड के ऊपर एक्चुअल वर्क करें, उससे पहले लॉट ऑफ अप्रूवल्स, लॉट ऑफ क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड। आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस लेनी है, आपको एविएशन मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी है, आपको मास्टर प्लान वहाँ पे वो करना है, देन पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं कर रही जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसमें ये ना बताए कि फंडिंग कहाँ से आएगी। कहते हैं किसी भी इलाके की तस्वीर तब बदलती है जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा करती है। बात जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो तो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जेवर एयरपोर्ट के बनने से अगर किसी इलाके को फायदा मिलेगा तो वो है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे को जिस तरह से तैयार किया गया है उसके बाद वो किसी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। 165 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के किनारे नई टाउनशिप और बिजनेस सेंटर बन चुके हैं। कनेक्टिविटी के मामले में यमुना एक्सप्रेसवे को कंपीट करना काफी मुश्किल है।
बेहतर होती कनेक्टिविटी और जेवर एयरपोर्ट की संभावना को देखते हुए बिल्डर्स ने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर डिलीवरी भी दी है और काफी प्रोजेक्ट्स पर काम काफी तेजी से हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे में करीब 57 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और करीब 39,000 यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है, जबकि 9,000 यूनिट्स अभी बिकने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये सारे प्रावधान लैंड एक्विजिशन एक्ट में ऑलरेडी जो है वो दिए हुए हैं। अभी जो मुआवजा मिलेगा उस वो भी पहले के मुआवजों से कम 2 से 4 गुना ज्यादा मिलेगा। देन जितने भी किसान, ना केवल किसान, किसानों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों का भी क्या इफेक्ट होगा उनकी लाइफ पे और वो कहाँ अल्टरनेटिव उनका जो है रोजी रोटी का होगा, ये सारा जो है उसकी सोशो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ है उसके अंदर है।